आज बनाएंगे करेले बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, उन्होंने मुझे सिखाए थे, बस वही करेलों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तो 1/2 kg करेलों को पहले से ही कट करके उसमें नमक डालकर उन्हें धोकर रख लिया है। नमक डाल के मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और इन्हें अब वॉश करके अच्छे से गरम ऑयल के अंदर अब फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। इन्हें हम करेंगे फ्राई, और इस तरह से ये गोल शेप में मैंने कट करें। यहाँ पर मैं ये अपनी मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी ने सिखाए थे मुझे, तो बस इसी तरह से गोल कटिंग करके ही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाए थे बनाने करेले। तो फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। यूट्यूब पे जुड़ने से पहले मैं इसी तरह से ये रेसिपी बनाती थी करेलों की, इसी तरह से सब्जी, और ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती थी। यूट्यूब पे जुड़ने के बाद तो अलग अलग तरीके से बनाने लगे। एक और तरीके से मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है करेलों की, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारे करेले हो गए अच्छे से फ्राई, और उन्हें मैंने निकाल लिया, और बाकी के बचे हुए ऑयल में यहाँ पे 2 प्याजों को कट करके रख लिया था। अब इन्हें हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे गुलाबी होने तक। जब हमारी प्याज अच्छे से हल्की गुलाबी हो गई है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चों को थोड़े बड़े साइज़ में कट करके ऐड कर दिया हमारी प्याज के साथ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन्हें भी प्याज के साथ ही होने देंगे अच्छी तरह से, जब तक हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर अभी टाइट है, इन्हें सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, और नमक डालने से हमारे टमाटर बहुत जल्दी से नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो बस नमक डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से अभी पकने देंगे नमक के साथ ही, और जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तब हम इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए 2 से 3 मिनट के अंदर ही, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हमारे फ्राई किए हुए करेले। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने मसाले नहीं डाले, नहीं, पहले मैं यहाँ पे करेले डालूँगी। करेलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर के साथ ही, और इन्हें नमक को मैंने, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ा नमक कम करके डालेंगे, क्योंकि नमक हमारे करेलों में भी था तो थोड़ा कम रखा है मैंने नमक। अगर कम लगेगा तो बाद में ऊपर से डल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और अब यहाँ पे डेली रूटीन के मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन सब के साथ में ऐड करूँगी 1/2 चम्मच अमचूर। अमचूर से बहुत अच्छा सा खट्टापन आएगा, करेलों का कड़वापन दब जाएगा अमचूर से। तो और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं ये करेलों का मसाला 1 चम्मच, और इस मसाले के साथ में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी। करेलों के मसाले से, करेलों का मसाला डालने से जो करेलों का स्वाद आता है ना, टेस्ट, वो बहुत लाजवाब हो जाता है। और साथ ही में ये अमूल की फ्रेश दही है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। दही से और अमचूर से करेलों का कड़वापन दब जाएगा, और बहुत लाजवाब सा हमारे करेले बनेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जायका आएगा इनका, और ये बिल्कुल भी खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। इसी तरह से मैं हमेशा से बनाती आई हूँ, मुझे पता है ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, घरों में जिस तरह से बनते हैं करेले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में, और अब इसमें हल्का हल्का सा, ये देखिए हमारे करेलों को कितना खूबसूरत से हमारे करेले लग रहे हैं मसालों के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कर ज़रूर दिया कीजिए, इससे पता चल जाता है हमारी रेसिपी कैसी है। तो 5 मिनट ढक के पकाने के बाद
ये देखिए, लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारे करेले बनकर तैयार हो गए। सच में बहुत मज़ेदार टेस्टी बने, और इनके करेलों के मसालों की खुशबू जो आ रही है ना, जायका मेरी किचन में, वो मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये करेले की हमारी सब्जी बनकर तैयार है, बहुत मज़ेदार चटपटी सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, और इसे अभी हम मैं आपको दिखाऊंगी सर्व करके कि हम किसके साथ इसे खाना पसंद करेंगे। तो आप इसे पूरी, चपाती और पराठों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पराठे बना रखे थे, तो मैं पराठों के साथ ही सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे करेलों की लुक लग रहे ना, बहुत मज़ेदार, चटपटे, मसालेदार। तो फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए, मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, चेक करके। सच में बहुत लाजवाब बने, आप भी इंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी रेसिपी में। बाय।